तो यार कुछ दिन के लिए ना रैबिट सेटअप से चले गए गर्मी की वजह से, तो ना इसलिए वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन वो ना जल्दी वापस आ जाएंगे। यार गर्मी की वजह से ना सारे के सारे रैबिट्स के जो बच्चे थे ना वो सारे मर गए। ये देखें ये गर्मी की वजह से कैसे कर रहे हैं। मैंने ना कोई सेटअप मट्टी भी उठा ली थी, इस वजह से ना गर्मी ने लगने लग गई तो सारे यार बच्चे मर गए इसके। ये देखें सारे के सारे इसके बच्चे मर गए ना, तो अभी ये ना थोड़े दिन के लिए सेटअप से जाने लगे हैं। ये खरगोश का आज आखिरी दिन है हमारे सेटअप पे। ये पट्ठे आज उन्हें डालते हैं। तो यार ये ना जाने वाले वजह इसकी ये है क्योंकि ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, गर्मी का एंड हो गया, बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और इन खरगोशों के लिए ना भी ना बहुत खरगोशों के लिए भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो ना इसलिए ना इन्हें मैं देने लगा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। एक दो महीने बाद ना जब मौसम सेट होगा ना तो दोबारा ले कर आएँगे खरगोश इंशाल्लाह। अभी ना ये मौसम सेट हो ले क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इनके लिए ना मैंने मिट्टी भी नहीं डाली, इनका ना कोई सेटअप भी नहीं प्रॉपर बनाया। इतने ना दो एक महीनों में ना गर्मी भी कम हो जाएगी और ना इनका मैं अच्छा सा सेटअप बनाऊँगा, तो ना उसके बाद ना इंशाल्लाह इन्हें दोबारा लाएँगे। अब ना एक दो दिन में ना ये अब चले जाएँगे या शायद आज ही ये चले जाएँगे। आज इनका लास्ट डे है हमारे सेटअप पर, इतना तो इंशाल्लाह ना बहुत ही जल्द ना दोबारा रैबिट्स लाएंगे। अभी के लिए ना ये जा रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं दोनों। ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो दोनों यार बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, पर ना इनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। टर्की बर्ड्स हैं, ये भी खाना शुरू हो गए हैं। पहले दिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, अभी भी ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने खाना शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है ये भी खाएंगे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे ये दोनों टर्की बर्ड। ये देखें ये थोड़े थोड़े खाना शुरू हो गए हैं, डर रहे हैं मुझसे। इसे इन्होंने मैंने नीचे रखा हुआ है क्योंकि ना गर्मी का मैंने आपको पहले ही बताया कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर कुछ सुकून है इसलिए पिंजरे में ही ये बंद है, इन्हें शाम टाइम ही खोलते हैं ज़्यादा, ये वैसे भी बाहर नहीं आते हैं ये। बाकी इन्होंने खाना पीना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, पहले दिन तो ये बिल्कुल नहीं खा रहे थे टर्की बर्ड्स। ये टर्की बर्ड के साथ ही असील चूजे, ये कैमरा आज फोकस ही नहीं कर रहा। ये देखें इनका भी गर्मी से क्या हाल हो गया है। इधर थोड़ा सुकून है, नीचे ये मैंने रखे हुए हैं, बाकी ऊपर ये अब तक इन्होंने पिघल जाना था। ये देखें हाय हाय, ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी टर्की बर्ड्स और असील चूजों की। इन्हें मैंने खाना अभी डाला नहीं, इनका बाजरा ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये मेरी उंगली खाने लग गया ये, तो ये थोड़े इन्हें मैं लेट थोड़ा खाना डालूंगा इन्हें। कि ये देखें धूप भी चेक करें, और ये हमारे खरगोश ये देखें जा चुके हैं, इसकी मैंने सफाई कर ली है, टेंशन की बात नहीं है, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये खाली कर दिया और दाना पानी मैंने इन सबको कर दिया था। ये देखें कितने खोते जितने हो गए, ये आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, ये कितनी छोटी छोटी मैं लाया था, अभी ये 3 महीने की हो गई हैं। ये देखें इन्हें भी मैंने नहीं खोला, ये भी इधर ही है आज, तो मैंने कहा आज पिंजरों के अंदर ही वीडियो बना लेते हैं सब की, क्योंकि ना रैबिट जाने का दुख हो रहा है मुझे, इसलिए वीडियो बनाने का दिल नहीं था। बाकी ये साथ ही वो कबूतर हैं, ये हमारा डॉन कबूतर ऊपर चढ़ा हुआ है, और इन्हें मैंने दाना रख दिया, और एक वो उधर ऊपर चढ़ी हुई है डर के डॉन से, और वो हमारी कबूतरी अंडे पर बैठी हुई है। अब इसका ये नहीं पता इसने कितने अंडे दिए, 2 दिए या 1 है, क्योंकि ये उठती नहीं है, ये उठती है कबूतर बैठ जाता, कबूतर उठता है ये बैठ जाती है, तो इसलिए अभी तक पता भी नहीं है 2 हैं कि 1 है। मेरे ख्याल से तो 2 ही होंगे, तो इसमें से भी 1-2 हफ्ते में बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला।